बोला आप हाथ रखो नीचे फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए हर रोज हर दिन हमें ये नहीं हर मतलब हर घड़ी हम ये सुनते हैं हम हमारे साथ ना इंसाफ हो रहा है हम मैं ये गवर्नमेंट से ऐसे अपील करती हूँ कि इसके मतलब जो इसका कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसी गंदी हरकत घटिया हरकत ना कर सके आई रिक्वेस्ट टू माई गवर्नमेंट प्लीज जस्टिस फॉर गर्ल्स ओनली गर्ल्स थैंक्स ऑल ऑफ यू हमने इसलिए प्रोटेस्ट निकाला है कि क्योंकि हमारे साथ जो गलत हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी मतलब बहुत सारे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज आयमा के साथ हो गया है या और किसी के साथ हो गया है हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि ये आयमा के साथ हो गया है या और किसी के साथ हमें सोचना कि ये हम खुद हैं हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज़ एंड प्लीज़ हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी है वो लानती जहाँ भी है वो मनहूस उसका बाहर निकाले चाहे वो कहीं भी है उसका बाहर निकाले और लोगों के सामने उसको फांसी दो ताकि दूसरे लोगों के दर्स मिले कि जिसने ये हरकत की जिसने ये गलती की उसके साथ क्या किया गया है हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो क्योंकि हमारे बहनें हमारी जो माएँ घर से बाहर अकेले निकलती हैं क्या उनके साथ भी हो जाएगा फ्यूचर में यही हम ऐसा बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे प्लीज एंड प्लीज मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसकी माँ को ऐसे तसल्ली दो जैसे मतलब उस गुनाहगार ने उस बेगुनाह बेटी के साथ गुनाह किया है मतलब उसके जो माँ है उसका ऐसे तसल्ली दो जैसे मतलब उसके जख्म पे ऐसे नमक डालो कि वो यार उसी उसकी माँ को तसल्ली मिले कि हाँ मेरी बेटी का जो कातिल है उसको मारा गया है।